सियावर रामचंद की जय। दोस्तों आप सभी को नमस्कार, जय श्री राम। बालकांड का पाठ चल रहा है, श्री रामचरित मानस कथा। ये मेरा फोर्थ लेसन है, फोर्थ भाग है, और मैं उम्मीद करता हूँ आप ध्यान से सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे। प्रसंग चल रहा है बालकांड का, जिसमें कि तुलसीदास जी, जिन्होंने ये रामायण की कथा लिखी है अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से, वो सभी दुष्ट साधु संत, सभी नर किन्नर, जो भी क्रिएचर हैं, जो भी प्राणी हैं जगत में, सभी से एक प्रार्थना कर रहे हैं, मैं प्रणाम कर रहे हैं कि मैं लिखने जा रहा हूं, मुझे राय दिखा मैं। और जब कोई व्यक्ति, अगर आपका दुश्मन भी है, दुष्ट भी है, तो अगर हम उससे नम्रता से बात करें तो उसको भी भगवान से जुड़ जाता है, और वो भी अच्छा ज्ञान देगा उस वक्त हमें। वो ये सोचेगा ये साधु व्यक्ति हमसे पूछ रहा है, मैं तो दुष्ट हूं, तो वो भी सोच समझ के कोई अच्छा ही हल निकाल के बताएगा आपको। तो इसी प्रसंग को जारी रखते हुए सुनिए क्या कहते हैं तुलसीदास जी। आकर चारि लाख चौरासी जाति जीव जल खल नबासी, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, जय राम सिया राम सिया राम सिया राम। मैं सब जग जानी करूं प्रणाम जोर जोग पानी, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, जय राम सिया राम राम जय राम। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये जगत है, इसमें 84 लाख योनियां विचरण कर रही हैं, कई प्रकार के, जिसमें कि अंडज, उद्भज, जरायुक्त, स्वधज, यानी कि जीव, जल, पृथ्वी, आकाश, ये सभी जो तीनों लोग, जहां जहां जल जल में रहने वाले, पृथ्वी पर रहने वाले, आकाश में रहने वाले, कुल मिलाकर के इतने जीव है, 84 लाख योनियां हैं, और उन सबसे भरे हुए सारे जगत को, 84 लाख प्राणियों से भरे जगत को श्री सीताराम मैं जानकर मैंने दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं कि सब में श्री सीता और राम जी का वास है 84 लाख योनियों में। जानी कृपा कर मिल कर हो छण जल छो, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, जय राम सिया राम सिया राम जय राम। निज बुद्धि बल भरो सब पाही, राम सिया राम जय जय राम जय।
मुझको अपना दास समझ करके कृपा की खान आप सब लोग मिलकर के छल छोड़ करके कृपा कीजिए। 84 लाख योनियों से निवेदन है तुलसीदास जी का कि आप छल छोड़ करके मुझ पर कृपा कीजिए, आप दया की खान है। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। करन चाहूं रघुपति गुण गा, लघुमति मोरे चरित्र बोगा, राम सिया राम सिया राम जय राम जय राम सिया राम सिया राम जय राम। सूझ नए कौ अंग मन मतिरं के मनोरथ राऊ, राम सिया राम सिया राम जय जय राम जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम। तुलसीदास जी कहते हैं मैं श्री राम जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूं, परंतु मेरी तो एक तुच्छ बुद्धि है, छोटी बुद्धि है, और भगवान जी का जो चरित्र है, अथाह है, समुद्र है, मैं कैसे इसमें सक्षम नहीं हूं वर्णन करने में। इसलिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात लेस मात्र भी उपाय नहीं सूझता है। मेरे मन और बुद्धि कंगाल हैं, किंतु मनोरथ राजा हैं। मुझे वर्णन करने की बहुत प्रबल इच्छा है, लेकिन मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, मैं ऐसा सोचता हूं, लेकिन हौसले बुलंद हैं। मते अति नीच ऊंच रुचियाची, चहे हमें जग जुड़े न छाची, राम सिया राम जय जय राम जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम। समूह सजन मोर घिचाई, सुन है बाल बचन मन लाई, राम सिया राम जय जय राम जय राम सिया राम सिया राम जय राम। मेरी बुद्धि तुलसीदास जी कहते हैं मेरी बुद्धि बहुत छोटी है, बहुत नीची बुद्धि है, लेकिन चाह मेरी बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं है मुझे। सज्जन मेरी ढिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल बचनों को मन लगाकर सुनेंगे, ऐसी वाणी है तुलसीदास जी की। जौं बालक कहे तो तेरी बात सुनहे मुदे ते मैंने अरुपित माता, राम सिया राम सिया राम जय जय राम जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम।
हस हहे कूदे कुटिल को बिचारी जे पर दूसन भूसन हारी राम सिया राम सिया राम जय जय राम जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम जो बालक कहे तो तरी बाता सुना मुदित मन चित और माता। जैसे कि एक छोटा बालक होता है जब तोतली भाषा में बातचीत करता है तो उसके माता पिता उसकी मधुर वाणी को सुनकर के कितने प्रफुल्लित होते हैं आनंदित होते हैं। किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग दूसरे जो दुष्ट लोग होते हैं वे हंसते हैं। निज कबीर कहे लाग ननी का सरस हो अतिथि का राम सिया राम सिया राम जय जय राम जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम। जे पर भनिते सुनत हर साही ते बर पुरुषे बहुत जग नाही राम सिया राम सिया राम जय जय राम जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम। अपनी कविता कितनी भी रसीली क्यों ना हो किसी को अच्छी नहीं लगती है, किंतु जो दूसरों की रचना सुनकर हर्षित होते हैं ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। जग बहु नर सर सरी समो भाई जे निज बाढ़े बढ़े जल पाई सजन सकृत सिंधु सम कोई पूरे बेदो बड़े जो राम सिया राम सिया राम जय जय राम जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम। भाई जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य अधिक हैं बहुत हैं जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं अर्थात अपनी उन्नति से प्रसन्न होते हैं। बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे। समुद्र सा तो कोई एक विरला ही सज्जन होता है जो चंद्रमा को पूर्ण देख करके उमड़ पड़ता है प्रसन्न हो जाता है दूसरे का उत्कर्ष देख करके उमड़ जाता है। भाग छोटे अभिलाष बड़े करो एक विश्वास पे सुख सुने सुजन सब कल कर मेरा भाग छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है मुझे मुझ पर विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी लोग सुख पावेंगे। ये राम के चरित्र को सुनकर के सभी लोग
हर्षित होंगे और खुशी मनाएंगे, आनंदित होंगे। लेकिन जो दुष्ट लोग हैं वो हंसेंगे मेरी इस कविता को सुन करके। खल पर हास होए हिस मोरा, काके कहे कल कंट कठोरा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, जय राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हस हे बकेदा दुर चौक ही, असह मल ने खल विमलो बतक ही। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरी कविता ये रामायण रामचरित्र मानस रूपी कविता को जो सुन करके पढ़ करके हंसेंगे तो हंसने दो जो लोग दुष्ट, उनके हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल कौवे तो कठोर ही कहा करते। कौवे से पूछा जाए कि कोयल की ऐसी आवाज कैसी आवाज लग रही है, तो वो हमेशा खराब बताते हैं कि उसको तो बोलने नहीं आता। जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहों को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले, मैले मन वाले दोष निर्मल वाणी को सुनकर के हंसते हैं। कभी तिलस के न राम पद ने हो, तेन कहे सो कायदे हास दस ए हो। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, जय राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। भाष भने ते भोले मत मोरी, हस बे जो बे हस नहीं खोरी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, जय राम सिया राम, सिया राम। जो न तो कविता के रसिक है और न जिनका रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने योग्य है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं है। अगर दुष्ट लोग हंसते हैं तो हंसने दीजिए। प्रभु पद प्रीति न समुझनी की, तेना है कथा सुने लाग है पी की। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, जय राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हरि हर पद रति मस न कुतर की, तेन कहु मधुर कथा रघुबर की। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, जय राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और न ही प्रभु की भक्ति उन्हें अच्छी लगती है, उनको यह कथा सुनने में अवश्य फीकी लगेगी। जिनकी भगवान विष्णु या हरि के चरणों में प्रीति नहीं है, बिल्कुल प्रेम नहीं है
और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली है उनको ये कथा अच्छी नहीं लगेगी, उन्हें श्री राम जी की यह कथा मीठी नहीं लगेगी। राम भगति भू सिते जानी सुन है इस जने सराह सवानी कभी न हो नहीं बचन प्रबीनु सकल कला सब विद्याहीनु। जो सज्जन है इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित समझकर जान करके सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे, तुलसीदास जी कहते हैं वो सुंदर वाणी से अपने अंतर आत्मा में महसूस करेंगे और मेरी ये मैं जो कथा लिख रहा हूँ श्री रामचंद्र जी की इसको सुनेंगे। मैं न तो कवि हूँ न मैं वाक रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं और सब विद्याओं से रहित हूँ, मुझे कुछ नहीं आता न मैं कवि हूँ, लेकिन जो मैं वाणी लिख रहा हूँ जो वचन लिख रहा हूँ कथा जरूर लोगों को पसंद आएगी। आखर अर्थ अलंकृत नाना छंद प्रबंध अनेक विधाना राम सिया राम सिया राम जय राम जय राम सिया राम सिया राम जय राम। भाव भेद रस भेद अपारा कवि से दोषे गुण विविध प्रकारा राम सिया राम सिया राम जय राम जय राम सिया राम सिया राम जय राम। नाना प्रकार के अक्षर अर्थ और अलंकार अनेक प्रकार की छंद रचना भाव और रसों के अपार भेद और कविता के भांत-भांत के गुण दोष होते हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे सत्य कहो लेके कागद खोरे राम सिया राम सिया राम जय राम जय राम सिया राम सिया राम जय राम। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है, मैं तो कोरे कागज पर लिख रहा हूँ सत्य सत्य कहता हूँ। भनत मोर सब गुण रहते विश्व विदित गुण ए सो विचार सुन है सुमति जिनके बिमलो विवे। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, जगत प्रसिद्ध एक गुण है उसे विचार करके अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको अवश्य सुनेंगे। बोलो सियावर राम चंद की जय, उमापति महादेव की जय, राधिका कृष्ण चंद की जय, बजरंगबली सरकार की जय, अपने अपने गुरुदेव माता पिता की जय हो वे। दोस्तों ये भाग आपको रामायण का यानी रामचरित भाग चार कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। जय श्री राम।